आप सब बहनों को भी योग भी करना है और इस सेवा के साथ बहुत दिव्यता के साथ जुड़ना है। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए योग में प्रवेश करते हैं। ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करते हुए स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम योग की साधना भी करेंगे और आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत गहरी बातों को साधारण शब्दों में आपके सामने कहेंगे। शुरुआत करते हैं हम योग से। सब बहनें निश्चय कर लें कि हमको रोज एक घंटा योग करना है। तो एक घंटे के योग में करीब 45 मिनट तो आप प्राणायाम और ध्यान करें। मैंने प्राणायाम ध्यान के साथ ही करें और कम से कम 15 मिनट आसन जरूर करें। जिन बहनों को मोटापा है उनके लिए मोटापा का पैकेज बता देंगे। वो थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं तो एक बार पतली होने के लिए थोड़ा ज़्यादा कर लें, एक घंटे के बजाय 1.5 घंटा कर लें। सुबह 5 से 7 5 to 7 ऐसा नियम बना लें कि हमको योगाभ्यास करना है। तो सब बहनें इतनी अच्छी रहेंगी कि कोई बहन एक तो मोटी नहीं दिखेगी। अभी मैं देख रहा हूँ करीब 50% बहनें मोटी दिख रही है। अच्छा बताओ कोई भी बहन मोटी दिखना चाहती है क्या? जोर से बोलो। नहीं दिखना चाहती। ये देखो ये दो बेटियां बैठी हुई है ना, एक तो योग बहुत अच्छा करती हैं ये। खड़ी हो जाओ सब बेटियां, स्कूल वाली योग बहुत अच्छा करती हैं। इनमें से कोई भी बेटी आपको मोटी दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही। आप सभी ऐसी की ऐसी ही रह सकती हो 100 साल तक। 2-4 आसन करके दिखाओ। सबसे पहले चक्रासन खोलो खड़ी खड़ी, देखो ये कितना अच्छा आसन करती है। एक साथ देखो सारी की सारी पीछे झुक गई। हाँ
खड़ी खड़ी झुक गई, तुम तो पड़ जाओगी ऐसे करोगी तो। वापस आ जाओ, अब आगे झुक जाओ, पाद हस्तासन, आगे झुक जाओ, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दो ऐसे, ये देखो झुक गई, उठ जाओ वापस। और अब सर्वांगासन कर दो सब। पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उस दिन सर्वांगासन शीर्षासन मत करना, बाकी सब बहने ऐसे। ये देखो कितना बढ़िया किया है, सर्वांगासन कर दिया, पैर ऊपर कर दिए, अब पैर पीछे टिका दो बेटा, हलासन कर दो। ये देखो हलासन कर दिया सब बेटियों ने। फिर वापस लेट करके चक्रासन कर दो, खड़े होके तो दिक्कत होती है तो लेटे लेटे तो कर सकते हैं ना, तो छोटी उम्र वाली बेटियों को ये आसन सब करने चाहिए। कितना बढ़िया करती हैं ये, इनमें छोटी भी हैं थोड़ी बड़ी भी हैं। वापस आ जाओ, अभी शीर्षासन कर लेती हैं कुछ, कितनी करती हैं शीर्षासन, शीर्षासन करके दिखाओ। ये शीर्षासन भी कर लेती हैं, सब की सब ट्रेंड है ये तो एकदम परफेक्ट, क्योंकि बच्चों के शिविर में मैंने देख लिया था इनको। हाँ तो सब ने शीर्षासन कर दिया, देखो वापस। अभी सूर्य नमस्कार कराएंगे तब ये सूर्य नमस्कार भी करेंगी। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। तब ये इतने शासन करने में कितनी देर लगी, 5 मिनट भी नहीं लगे। ऐसे सूर्य नमस्कार 5 मिनट कर लो ना तो पूरा शरीर एकदम ठीक रहता है, तो पहले थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा, एक बार अभ्यास में लाना पड़ेगा शरीर को। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ फिर योग शुरू करेंगे। सब बहनों को स्वास्थ्य चाहिए, क्या चाहिए बोलो, स्वास्थ्य। दूसरा चाहिए सुंदरता, क्या चाहिए, कोई बदसूरत होना चाहती है, सब कैसे होना चाहती है, खूबसूरत। सबको हेल्थ चाहिए, ब्यूटी चाहिए, सबको पावर चाहिए, सबको पावरफुल होना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, समृद्धि, शांति, ये सब कुछ चाहिए और ये सब योग से मिलती है। अब देखो एक एक करके आपको बताते हैं। घर में आदत डाल लो कि सबको एक तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम आज हम थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, क्योंकि आज आपको लगभग 2-2.5 घंटा में पूरी जीवन विद्या, पूरे जीवन के रहस्य आपको समझाने, योग विद्या, अध्यात्म विद्या, कैसे हम अपने शरीर को अच्छा रखें, तो शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिन चुनौतियों का आप सामना करती हो उससे कैसे अपने आप को उभारना है वो आपको सब सिखाएंगे, तो बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, श्वास ऐसे लो, छोड़ो, ये तो सबको करना, अभी भी करना, आज भी, ये 2 से 5 मिनट कर लेना, कम से कम 2 मिनट। जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, काफ, एलर्जी रहती है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो 5 मिनट भी कर सकते हैं। देखो ये, सबको करना है, करो सब, बहुत अच्छा कर रही है, छोटी बेटियां भी, बड़ी बेटियां भी, माताएं बहनें भी, सब बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी तन्वी गर्ग बहन, ये तो यहाँ के IAS ऑफिसर है, पहले DM भी रही है, अब डायरेक्टर है एजुकेशन में, रोज सुबह 4:45 बजे आ जाती है, सुबह भी पूरा सत्र करती है, शाम को भी कर रही है। अब इनको ऐसी लगन लग गई है कि जो स्वामी जी कह रहे हैं मुझे ऐसे ही बनना है पूरा। तो IAS ऑफिसर्स से लेकर के हमारे IPS ऑफिसर्स से लेकर के, अब तो खास बात यह है कि इस देश के लगभग सभी MLA, MP, CM और देश के PM, प्रधानमंत्री भी रोज योग करते हैं। ये अच्छी बात, रोज योग करते हैं। अब सब नागरिक भी योग कर रहे हैं, यहाँ देखो सब बहने, IAS बहने हैं, IPS बहने हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं और गृहिणियां हैं, सब योग कर रही हैं रोज। ये 2 मिनट कम से कम सबको करना। अब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बहनों को, जैसे ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कमजोरी नहीं है, हर्निया नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना, तो जोर से कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, इससे मन भी एकदम शांत हो जाता है। किसी किसी का मन बड़ा हुड़दंगा होता है, मन टिकता नहीं है। 2 मिनट ऐसे जोर से कर लेना, लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, ये नहीं होना चाहिए।
जोर से तभी करना है, तो ये 2 मिनट भस्त्रिका कर लेंगे तो इससे पूरी बॉडी एनर्जाइज रहेगी। देखो बालों के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता पूरा तो आंखों पे चश्मा और कैटरे ग्लूकोमा दूसरी समस्या आ जाती है, फिर स्किन सेल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता तो स्किन में डिजनरेशन हो जाता है, ब्लैकिश हो जाती है, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। एक खास अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं पिछले 5 दिनों से रोज एलोवेरा लगा रहा था क्योंकि यहाँ धूप में मुझे बहुत बैठना पड़ता है। अब एलोवेरा लगाने से पहले भी मेरी चमड़ी ऐसे अच्छी थी, अर्थात ना मैं गोरा हूँ ना काला हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, इसको बोलते हैं गेहूँ रंग है माने, लेकिन इस पर चमक पिछले 5 दिनों में मैंने देखा। ये जो एलोवेरा जेल है ना, ये मैं रोज लगा लेता हूँ शाम को और एक बार सुबह जाने के बाद, 5 दिनों में मैंने देखा मेरी चमड़ी ऐसे चमकने लग गई, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट। तो सुन लो बहनों, आपकी चमड़ी ऐसी चमकेगी जैसी मेरी चमक रही है। पहले तो योग से तो अच्छी थी, एलोवेरा जूस भी मैं रोज पीता हूँ, आंवला एलोवेरा जूस, ये बहनों के लिए बता भी रहा हूँ, कपाल भाती कर लो, देखो कपाल मानी माथा, भाती मानी दीप्ति, कपाल भाती से माथा चमकने लगता है। और एलोवेरा जेल लगाने से तो ऐसी चमड़ी रहती है जैसे 2 साल के बच्चे की होती है। तो बहनों, जैसे आपकी चमड़ी का रंग 2 साल में था, देखो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं कभी भी, ये तमाम टीवी चैनलों पर झूठ बोला जाता है, ये क्रीम लगाइए, ये पाउडर लगाइए, ये साबुन लगाइए, ऐसे कीजिए, इससे आप गोरे हो जाएंगे। कोई भी गोरे होने के चक्कर में मत रहना, जैसा आपका नेचुरल कलर है, नेचुरल ब्यूटी, मैं बोलता हूँ प्राकृतिक सुंदरता। कितनी बेटियां मेरे साथ यहाँ योग कर रही थी, थोड़ी कुछ सांवले कलर की थी, कुछ गोरे कलर की थी, जैसे भी थी, योग करने वाली बेटियां एकदम बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत होती है। तो आपको चाहिए नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी मिलेगी योग से, एलोवेरा का जूस पीना और एलोवेरा जेल लगाना। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप पूरा चेंज पाएंगे अपने अंदर, 7 दिन के अंदर। श्वास को बाहर छोड़ो, इससे एक ही प्राणायाम है, इससे क्या मिलेगा, स्वास्थ्य, शक्ति, ताकत, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और भी बहुत तरह की डिफरेंट न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, हार्मोनल इंबैलेंस, वो सारा ठीक हो जाता है किससे, इससे, कपालभाति से। शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, शांति मिलेगी, और योग करके आप पुरुषार्थ करेंगे तो समृद्धि भी मिलेगी। स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, शांति, समृद्धि। एक कपाल भाती प्राणायाम, इसका पूरा मैकेनिज्म है। माताओं बहनों को यूट्रस की प्रॉब्लम 99% होती है आफ्टर 40, किसी किसी को तो आजकल पहले भी होने लग गई। आजकल तो छोटी छोटी बेटियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम हो गई है। अब सुन लो, बेटियों को तो 8-9 साल की उम्र से लेकर के और जिंदगी भर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उस समय से, किसी के तो पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, जिन बेटियों के पीरियड जल्दी स्टार्ट हो जाती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है एक तो, और उन कई तरह के उनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं फिर, तो टाइम से पीरियड स्टार्ट हो। इसलिए 3 साल की बेटियों को ही प्राणायाम कराना शुरू कर देना, टाइम से पीरियड स्टार्ट होंगे, यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तो प्रॉब्लम होने का प्रश्न ही नहीं, किसी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा। जब पीरियड स्टार्ट होंगे 10 से 12 साल की उम्र के बीच में, तो पीरियड कम और ज्यादा नहीं होंगे, कई बार एक बार स्टार्ट होके फिर रुक जाते हैं, किसी के जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने वाली बेटियों को नहीं आती है।
योग। पीरियड स्टार्ट होने के बाद में पेन फिर पीरियड होना, लिया की प्रॉब्लम होना, वाइट डिस्चार्ज और ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये प्रॉब्लम नहीं होती है बहने को। कपाल भाति। फिर जब पीरियड बंद होने का समय आता है, उस समय किसी किसी को ब्रेस्ट में पानी भर जाता है, किसी को गांठें हो जाती हैं ब्रेस्ट में, किसी को तो ब्रेस्ट कैंसर तक हो जाता है, किसी को यूट्रस में फंगस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये प्रॉब्लम, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कपालभाति से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होती है तो मिट जाती है। एक महीने में ही यूट्रस के फंगस, ओवरी की सिस्ट अच्छी हो जाती है। हजारों बहनों की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, मैंने उनको बोला, एडवाइस किया, प्रणाम करो, एक महीने बाद ही रिपोर्ट कराई, आधा आधा घंटा कपालभाति किया, एक महीने में यूट्रस के फाइब्रोसिस खत्म, ओवरी की सिस्ट खत्म, और छह महीने के अंदर, तीन से छह महीने के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी खत्म हो जाती। अभी मैं यहाँ दिल्ली से इधर आ रहा था, तब एक बहन एयर हॉस्टेस थी, बोले बाबा जी मैंने तो आपका 10 साल पहले प्रणाम किया था, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा जी आपकी वजह से आज मेरी हेल्थ है, मेरे स्वास्थ्य, मेरी सुंदरता, उसका शरीर भी सुंदर था, तो बोले बाबा जी योग करने से मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, और मेरे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी वो दूर हो गई। मैं अमेरिका जा रहा था, तब एक मोनिका बेटी मिली मुझसे, बोले बाबा जी मोनिका तो पीरियड ही नहीं होते थे, नौ महीने पीरियड नहीं होते थे, दवाई लेती थी तो पीरियड होते थे, बाद में बंद हो जाते थे, टेस्ट किया तो पता लगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। बाबा जी मैंने कपालभाति किया, 3 महीने में मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब हर महीने मुझे पीरियड होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज को, उसे फिर माँ भी नहीं बन पाती, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाते हैं। अभी बात छोटी सी है, छोटी छोटी बेटियों को सब बातें बताना कि बेटा आपके यूट्रस का अच्छा होना, ओवरी का अच्छा होना जरूरी है, और वो कपालभाति से होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसी से ठीक हो जाएगी। फिलिपियन ट्यूब बंद है तो इससे ओपन भी हो जाती है, ओवम नहीं बनता बेटियों को तो इससे बनने लग जाता है। किसी बहन का ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हुआ है, ये दो बातें हैं, ब्रेस्ट का विकास पूरा ना होना और ब्रेस्ट ज्यादा बढ़ जाना, दोनों ही अच्छा नहीं लगता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो प्राणायाम से, ये बहुत खास बात है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे भी हजारों बहनों ने बताया, उसके बाद मैं कह रहा हूं, मैंने कोई किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं किताब में। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम और थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करने से जिन बहनों की ब्रेस्ट पूरी नहीं थी उनकी ब्रेस्ट पूरी हो गई। नहीं तो ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होते ना तो बहनों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का पूरा विकास उनकी सुंदरता का एक पैरामीटर है। तो अब मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूंगा, सैकड़ों बहनें मुझसे मिली, उन्होंने बोला बाबा जी प्राणायाम करने के बाद में हमें ये पहले समस्या थी ठीक हो गई, ब्रेस्ट का पूरा विकास होता है। फिर किसी किसी का ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी कपालभाति से अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। जिनका ब्रेस्ट पूरा विकसित ना हुआ वो शतावर चूर्ण माताएं ले सकती है, ये लेडीज के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। क्या बोला? शतावर। लेडीज को बहुत तरह की कमजोरियां रहती है, जेंट्स को तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स खाते हैं, बहुत कचरा खाते हैं ताकत की दवाइयों के नाम पर, ये पुरुष जो है बहुत कचरा खाते हैं, उनके बाद में खतरा बनता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम होती है। ताकत की दवाइयों के नाम पर कोई भी गंदगी परिवार में माता ने जी दी। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, सफेद मूसली का पाक, ये बहुत सी चीजें हम देते हैं, शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी, यौनामृत, ऐसे बहुत सी चीजें। पुरुषों को भी गलत चीजें मत खाने के लिए घर में माता ने दीजिए। ताकत की दवाइयों के नाम पर बहुत खराब चीजें खाई जाती हैं और बाद में आदमी की लाइफ ही बेकार हो जाती है। अब बहनों के लिए बता रहा हूं, शतावर चूर्ण बहनें 2 ग्राम रोज ले सकती हैं, ये सबसे अच्छा टॉनिक है लेडीज के लिए, और कपालभाति इससे बढ़िया तो कोई टॉनिक ही नहीं है। बहनों में एक तो ये शतावर मैंने इसलिए बताया, इससे ब्रेस्ट का विकास पूरा हो जाता है, जिन बहनों को स्तनों में दूध पर नहीं आता दूध आ जाता है, शतावर, और एक ये जीरा, जो जीरा आप छोंक में लगाते हो और सब्जी बघार करते हो जिससे, शतावर और जीरा का पाउडर खाने से जिन माताओं बहनों के स्तनों में पूरा दूध नहीं होता है तो उनको पूरा दूध आ जाता है।
पहले माँ माताओं के स्तनों में इतना दूध हो जाता होता था कि पड़ोसी के बच्चे भी पी सकते थे, और आजकल वाली माताओं के स्तनों में इतना भी दूध नहीं होता कि अपने बच्चे भूखे मरते रहते हैं। फिर उनको पता नहीं ये विदेशी कंपनियों के कौन कौन से तो डब्बा बंद जो खाना खिलाते हैं, और उनको गैया मैया का बकरी बुकरी का दूध पिलाना पड़ता है। माताएं बहनें प्राणायाम करेंगी तो उनके स्तनों में दूध भी पूरा रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, खैर कपाल भाती बहुत जरूरी है, ऐसी बहुत सी बातें आपको बताएंगे। मैं कह रहा था माताओं बहनों के स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, संतुष्टि, शांति, उसके लिए प्राणायाम। ये कपाल भाती रोज 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट करना है, और पीरियड के दौरान जिनको पेन ज्यादा होता है, जिनको पीरियड के दौरान पेन होता है वो ना करें, बाकी बहुत धीरे धीरे ऐसे कर सकती हैं, अभ्यास ना छोटे। तो ये पीरियड के दौरान भी ऐसे कर सकते, पेन होता हो तो मत करना, है ना, पेन होता हो ना पीरियड के दौरान तो मत करना, बाकी ऐसे तो इससे अभ्यास बना रहता है। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम सूक्ष्म, ये पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे सूर्य नमस्कार है, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, कठिन आसन पीरियड के दौरान माताओं को नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके लिए तो हमने एक पूरी कैसेट बना रखी है, गर्भवती महिलाओं के लिए योग, तो उसमें कठिन आसन नहीं करते, प्राणायाम करते, ओंकार का जप करते हैं और पूरी और सावधानियां रखते हैं। गर्भवती महिलाओं को औषधियां भी नहीं लेनी चाहिए एलोपैथी की, अच्छा नहीं रहता है, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, तो योग से ही अपना कंट्रोल कर सकती हैं सब महीने। कपाल भाती को छोड़ के, बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम ये पीरियड के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना होता है। ये प्राणायाम करने में अभी तो थोड़ा सा असुविधा होगी आपको, क्योंकि पेट थोड़ा मोटा है ना, पेट छोटा हो जाएगा तो आपका भी अंदर चला जाएगा, जैसे मेरा जा रहा है, छोटी बेटियों का तो चला जाता है। अग्निसार तो सब कर लेंगे, देखो श्वास को बाहर छोड़ के जो है पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़, ये तो थोड़ा अग्निसार हल्की वाली क्रिया है, इससे तो कठिन होती है नोली क्रिया, जिसमें पेट बीच से निकालते गोल घुमाता है, देखो ऐसे, आप सोचेंगे बाबा जी हम कैसे घुमाएं, हमारा तो घूमता ही नहीं है, आप पेट घुमाने लगते हैं तो पूरे घूमने लग जाते हैं ऐसे ऐसे। इसको तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, शुरू में घुमाओगे तो पीछे से घूम जाएगा। तो सुनो, सब बहने कैसा शरीर चाहती है, माथे पर बाल पूरे हो, चेहरा चमकता हुआ हो, चेहरा भरा हुआ हो, चिपका चिपका नहीं, भरा हुआ चेहरा हो, और रंग निखरा हुआ हो, सीना उभरा हुआ हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो, और कमर तो सबको इतनी पतली चाहिए,
साइड से तो इतनी सी है, देखो और ऐसे पकड़ो तो ऐसे पकड़ में आ जाए। आप पकड़ के देखियो अपनी अपनी किसी किसी की तो इतनी मोटी मोटी हो रखी है। तो ये फैल गया पेट ना, ऐसे आगे भी फैल गया थोड़ा साइड में भी। तो उसके लिए बताएंगे अभी अभ्यास, एक तो कपालभाति करना ही है और भी करना है। सुनो ये बाह्य प्राणायाम, फिर गले और थायराइड के लिए ना कपालभाति उज्जायी, कपालभाति उज्जायी, फिर सिंहासन और ये ग्रीवासन ऐसे, और एक ये गले का पॉइंट, ये चार चीजें करने से कपालभाति उज्जायी सिंहासन ग्रीवासन और ये एकुप्रेशर, इतनी चीजें करने से थायराइड क्योर हो जाता है। बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम बहुतों को है, कितनी बहनें हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है जरा हाथ उठाना, जिनको थायराइड डिटेक्ट हो गया है हाथ हिलाइए जरा। ऐसे सैकड़ों बहने तो मेरे सामने ही है जिनको थायराइड डिटेक्ट हो गया, T3 T4 TSH का इम्बेलेंस हो गया है, योग से क्योर हो जाएगा। कितनी बहने जिनका थायराइड क्योर हुआ है योग करने से, आप में से थायराइड क्योर हो जाता है योग करने से, दवाइयां बंद हो जाती हैं। कितने बहने ऐसी हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर भी काफी बहनों को है, फिर भी कम है, यहाँ अच्छी बात है, खुश रहती हैं, इसका मतलब परेशान नहीं रहती हैं, स्ट्रेस में नहीं रहती हैं। लो ब्लड प्रेशर कितनों को है, लो कईयों को मिलेगा लो काफी को है, योग से लो हाई दोनों ठीक हो जाते हैं। और खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी कितनी बहनों को है, ये तो थोक में मिलेगी, जिन्होंने चेक कर लिया उनको पता लगे, बाकी तो बहुतों को तो पता ही नहीं है हीमोग्लोबिन की कमी। और बाल झड़ने की समस्या कितनों को है, ये थोक में है देखो कुछ तो आप वैसे ही डर जाते हैं, 8-10 बाल तो ऐसे ही गिरते हैं रोज, उनसे परेशान मत हुआ करो। ऐसे 5-7 बाल 10 बाल गिर जाए तो परेशान मत क्यों, पुराने गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, खेती बहुत है ना। तो एक तो, लेकिन ज्यादा बाल झड़ते हैं तो आंवला एलोवेरा जूस पिया करो सुबह सुबह, आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच। देखो बहनों को 4-5 चीजें रोज प्रयोग करनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूं, ये एलोवेरा का जूस, ये आंवले का जूस, आश्रम का बना हुआ भी मिलता है, एक ये ऐसी भी बोतल में मिलता है, अभी चेंज कर दिए बोतल तो हरी वाली बोतल में भी मिलता है, एक फाइबर वाला, एक बिना फाइबर वाला, एक ये ऑरेंज फ्लेवर वाला, टेस्ट में अच्छा है, कोई खराब नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑरेंज फ्लेवर वाला या बिना ऑरेंज फ्लेवर वाला, अच्छा तो है फाइबर वाला। और इससे जोड़ों में दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, मासिक धर्म की समस्याएं, एसिडिटी, ये भी सब खत्म होती है। माताओं बहनों को एसिडिटी भी बहुत होती है बहनों को। तो आंवला एलोवेरा का जूस पीने के कितने फायदे हैं, बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर चमक रहेगी और बालों में भी चमक रहेगी, और स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, मासिक धर्म की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, और एसिडिटी और इंडाइजेशन नहीं होगा। ज्यादा एसिडिटी हो तो थोड़ी दिन आंवला मत पीना, खाली एलोवेरा पियो 4-4 चम्मच, एसिडिटी क्योर हो जाती है, इतनी चीजें अच्छी होती है। तो आंवला एलोवेरा का जूस माताएं बहने रोज प्रयोग किया करो। जिनको जोड़ों में बहुत दर्द है वो आंवला मत पीना, वो खाली एलोवेरा पिया करो, और एलोवेरा जेल लगाना सब माताएं बहने, सब क्रीम पाउडर बंद, आज से संकल्प लेके जाओ। बहुत दिनों तक लूट लिए तुमने, 10-20-50 हजार एक एक बहने 1-1 लाख रुपए के कॉस्मेटिक लगा लिए, किसी की चमड़ी ठीक हुई, फालतू में लगाते रहती हो, एड देखती रहती हो, एड करने वाले हीरो हीरोइंस को पैसे मिलते हैं, 5-10 करोड़ रुपए लेते हैं वो, और कोई हीरो, कोई भी जो एड करने वाली जो लड़की होती है ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो कभी कहती है कि आप गोरी नहीं हुई तो मैं जिम्मेदारी लेती हूं। और एक भी दुनिया में, जैसे मैं बोलता हूं ना, पूरी दुनिया में 16 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां खाती हैं, एक भी व्यक्ति का बीपी क्योर नहीं हुआ, थायराइड क्योर नहीं हुआ, अस्थमा क्योर नहीं हुआ, आर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ, हेपेटाइटिस क्योर नहीं हुआ, डायबिटीज क्योर नहीं हुई, दवाइयां भेज रहे हैं बस।
ऐसी एक भी लड़की कोई दुनिया में जिसका सांवला कलर और बाद में गोरी हो गई, दुनिया में एक भी लड़की? तुम्हें कंप्यूटर से उसका पहले चेहरा थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, बाद में कंप्यूटर से उसको व्हाइट कर देते हैं और आप खरीद लाती हो और दो तरफ शीशा सुसा लगा लोगो करके शूटिंग कर देते हैं है? और आप खरीद के ले आती हो। ये एलोवेरा जेल लगाना, जैसी आपकी माँ ने आपको पैदा किया था ना, वैसी की वैसी रहोगी 100 साल तक। देखो तो माँ ने पैदा किया, उस कलर में कोई चेंज नहीं ला सकता। तो सुन लो माताओं बहनों, आपको क्या प्रयोग करना है सुंदरता के लिए? खाली एलोवेरा जेल, नेचुरल ब्यूटी रहेगी आपके से। और खास बात, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपके चेहरे की फुंसियां खत्म हो जाएंगी, पिंपल्स, एक्ने, पिंपल्स, रिंकल्स और क्या क्या होता है, ब्लैकनेस, ये सब। अब माताएं बहनें तो क्या क्या करती हैं आजकल, लगाती हैं फेशियल। और फेशियल इतना स्पेशल हो गया है, 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का फेशियल करती हैं। आप ये एलोवेरा जेल लगा लो, ये इतना बढ़िया फेशियल है। देखो ऐसे निकालो और अपने हाथ से ही ऐसे लगा लो, ऐसे इसकी लेयर बन जाएगी और पता भी नहीं लगेगा किसी को क्या लगा रखा है, दूर से ही चमकेगी। ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। ऐसे रात को लगा लेना और सुबह स्नान करने से पहले अपने आप, सुबह उठो तो मुंह धोओगे तो पुछ जाएगा अपने आप। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे लगा लो। 7 दिन के अंदर आपका चेहरे का कलर नेचुरल की तरफ आने लगेगा। और कितना ही भयंकर चेहरा खराब हो, जैसा आपका नेचुरल कलर बचपन में था ना, मैंने कहा 2 साल की उम्र में जितना जैसा नेचुरल कलर था, ऐसे 2-3-5 साल के बच्चों का जैसा नेचुरल कलर होता है वैसा का वैसा आपके चेहरे का कलर रहेगा। नहीं तो उम्र के साथ साथ पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बेकार बेकार से हो जाते हैं। और ये क्रीम अलग अलग तरह की जो केमिकल वाली क्रीम्स है ना, वो लगा लगा के तो और चेहरा बेकार हो जाता है। ये रोज प्रयोग किया करो आंवला एलोवेरा। और जोड़ों का दर्द है तो, और एसिडिटी ज्यादा है तो मैंने आंवला मना किया, फिर ये एलोवेरा जेल लगाने का। माताओं बहनों के लिए शतावर, जोड़ों में दर्द बहुत हो जाता है माताओं बहनों को, तो 2 गोलियां, एक चंद्र प्रभावटी और एक स्त्री रसायन। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है माताओं बहनों को, तो उसके लिए चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन, ये एक एक गोली खा लिया करो। फिर एक किसी किसी माता बहनों का ना इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, किसी किसी का तो शरीर जब भी देखो ना ऐसे गर्म गर्म सा ही रहता है, बुखार से चढ़ा रहता है, उसको बोलते मंद ज्वर, कंटिन्यूस ज्वर रहता है। उसके लिए क्या करना, गिलोय घनवटी, ये देखो गिलोय है, ये जो ये पौधा है ना, ये गिलोय का है, यह बहुत होता है, ये गिलोय का पौधा है, ये बहुत होती है पूरे इधर अंडमान निकोबार में, पूरे हिंदुस्तान में होती है वैसे तो। गिलोय पीने से एक तो माताओं बहनों को प्लेटलेट किसी किसी को कम हो जाता है, जिन माताओं बहनों का प्लेटलेट कम होता है ना, खून तो कम होता ही है, तो उसके लिए तो हरी सब्जियां खाएं, कपाल भाती करें। प्लेटलेट कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होने से तो कमजोरी आती है, प्लेटलेट कम होने से ना, एक तो ज्यादा कम हो जाए तो आदमी मर भी जाता है, डेंगू में प्लेटलेट ही कम होता है। दूसरा, प्लेटलेट कम हो जाता है तो ऐसे ऐसे शरीर में कोई चुटकी भर ले या जरा सा कहीं दब जाए, ऐसे ऐसे दबा, जैसे मेरा तो ऐसे, अब जैसे मैंने ऐसे किया दबाया तो मेरा तो लाल हो गया। जिनका प्लेटलेट कम हो गया उनको कैसे निशान पड़ जाएगा, नीला। कितने बहनों को ये नीला निशान पड़ने की समस्या है, काफी बहनों को है ये नीला निशान पड़ता है प्लेटलेट की कमी से, वो इससे पूर्ति हो जाएगी गिलोय से, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बार बार सर्दी जुकाम बुखार और इम्यून सिस्टम की कमी ये नहीं रहेगी, प्लेटलेट की कमी ये नहीं रहेगी। गिलोय बताया। और बहनों को सिर में दर्द बहुतों को रहता है, सिर में दर्द कितने बहनों को होता है, इसमें भी ये भी थोक में है। तो सिर में दर्द के लिए क्या करें, सिर में दर्द के लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक बादाम तेल नाक में डाल लिया करो, बादाम रोगन ना, वो ऐसे ही डाल लिया करो लेट करके ना, ये बहुत अच्छा होता है, आश्रम का मिल जाएगा बादाम रोगन, सबसे सस्ता और 100% प्योर है बादाम रोगन, ये अपना मिल जाएगा, आप चिकित्सालय सेंटर है ना अपने आरोग्य केंद्र, वहां से बादाम रोगन नाक में डालना। ये ऐसे ही डालने में भी बड़ा ईजी है, ऐसे ये बोतल ली और ऐसे ही इसको लेट करके ना ऐसे ही डाल सकते हैं, ऐसे नाक के अंदर ऐसे डाला
ऐसे लेट करके डालते हैं, तो ऐसे लेट करके डालते हैं ना तो अच्छे से डल जाता है, ऐसे ऐसे लेट के। तो इसको अंदर चला जाता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में भी, तो अंदर चला गया। तो ये दिमाग के लिए ना बहुत अच्छा है, दिमाग में ऐसे लगा भी सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, इसको दूध में पी सकते हैं। अब इसका बड़ा पैक भी हम दे रहे हैं, इतना अच्छा है ये। बादाम रोगन नाक में डालने से, बादाम रोगन दूध में पीने से बच्चों का, बेटियों का, लड़का लड़की कोई भी हो जाए, दिमाग बहुत तेज रहता है, दिमाग थकता नहीं है। मेरा आज तक दिमाग थका ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कि दिमाग की थकान क्या होती है। क्यों? मैं शीर्षासन करता हूं, अनुलोम विलोम करता हूं, आप भी करो। मेरा तो बादाम रोगन भी पूरा अंदर चला गया लंबा सांस लेने से। तो बादाम रोगन यूज करना, किसी को सिर में दर्द नहीं रहेगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, बहुत जबरदस्त है ये बादाम रोगन। हाँ, कुछ माताओं बहनों की कॉमन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा था, और कीजिए अनुलोम विलोम कर लो, सबको रोज तो करना ही है। देखो ऐसे हाथ करके करो, ये वायु वायु मुद्रा होगी तो जोड़ों में दर्द भी खत्म हो जाएगा, ऐसे बैठने से ही। प्राणायाम तो करना ही है ना, तो ऐसे हाथ लगा के कर लो, ऐसे लंबा लंबा लिया करो। और पहले तो लंबा लंबा लोगे तो थोड़े थक जाओगे, तो बाद में धीरे धीरे ले रहे। देखो ऐसे, रिलैक्स, 5 मिनट कर लेना, सिर में दर्द गायब। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की, सिर में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जोड़ों में दर्द के लिए बता दिया, सिर दर्द के लिए बता दिया, एसिडिटी के लिए बता दिया, और ये आंवला एलोवेरा पीने से गैस कब्ज भी नहीं होगी, पाचन तंत्र का कोई रोग नहीं होगा, नहीं तो पेट बहुत खराब रहता है। और कपालभाती करने से माताओं बहनों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये खैर अभी कुछ कॉमन बात की, तो 8 प्राणायाम मेनली कर दें, भस्त्रिका, कपालभाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग स्लीप अपने के लिए, रात को खर्राटे आते हैं उसके लिए भी, गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं, भर के देखो ना एक बार, साउंड के साथ श्वास को अंदर भरा, अंदर भर के रोक दिया, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये उज्जाई, गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए, गले में खराश रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है।